सुनो 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 अब राइट में देखिए आपने सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग इतने प्यार से हमारे इस मुहूर्त के फंक्शन में आए हैं और मेरे साथ मेरे साथी मेरे जानी भाई की मेरी भी बेटी है, बिल्कुल बच्चा देखा है मैंने, शादी भी हमारे सामने ही हुई थी जानी भाई। और जावेद भाई को भी इनके बचपन से देखा हुआ है मैंने, ग्रीन गेट्स में पापा रहते थे, रवि दाते जी रहते साधु, मैंने प्यार से साधु बोलता हूँ, इनको भी 11-12 की उम्र से मैं देख रहा हूँ, जय जी को बच्चा फिल्मों में देखा है, हमारी मम्मी और नटखट नट्टू भैया अमित जी और हमारे दो भाई राजेश भाई और किशोर भाई, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। 4 साल से हम लोग इस चीज का कम से कम सोच तो रहे, थोड़ा सा ढका हुआ था पैंडेमिक की वजह से या जो भी रीजन हुए, फिर अल्टीमेटली इस ज्योति ने और एक उभार लिया है। भगवान से यही प्रार्थना करूंगा कि इग्नाइटेड प्रोडक्शन का ये जबरदस्त वेंचर सुपर डुपर हिट हो जाए, क्योंकि और एक मजेदार चीज इसमें ये है कि यहां से टैंक लगा के जब वापस आती है चीज तो वो ज्यादा पॉपुलर रहती है, मेड इन यूएसए हो जाएगा वो, तो
तो हम भी उसके साथ लगे हुए हैं। जैसे तो नेटवर्किंग हम लोग मिलते रहते हैं, साथ में शोज भी करते रहते हैं, बहुत अच्छे लोगों के साथ सिलसिला शुरू हो रहा है जो 100-200% सक्सेसफुल होगा। यही मैं भगवान से, सरस्वती माँ से, भगवान नटराज जी से प्रार्थना करूँगा। और जावेद भाई जिनी, साधना, पूजा जी और हम लोग सब इसको मिल के एक बहुत अच्छी और बड़ी चीज बनाने की कोशिश करेंगे। मैं आप सबका आभार प्रकट करता हूँ और बस सभी से शुरू हो जाए। लगता रहता है बीच बीच में कोई मास्क वाला आता है ना, तो फिर उसके ऊपर डाल के नहीं हो जाए। हम लोग इसको पूरा करें और जो जो भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में साथ दे रहे हैं, पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उन सबको भी बहुत बहुत विशेष देता हूं। तो मैं क्षमा चाहते हुए जाके बैठना चाहता हूं क्योंकि कल ही हॉस्पिटल से निकला हूं। सर, वी हैव वी विद द चेयर्स। नमस्कार एंड वेलकम। मेरे लिए ये बहुत लास्ट मिनट हुआ, जैसे कि नगर भाई ने कहा कि मैं कल मुझे मिले, किसी वजह से कुछ डिले हो गया था वगैरह। तो और जब मैं उनसे मिला और अमित से मिला, तो मैं अभी अराउंड फॉर लाइक करीब 40 साल होने आ रहा हूँ। मुझे अमित सर को सुरेश भाई ने मुझे कहा कि मैं जावेद को बचपन से देख रहा हूँ, मेरा रिवर्स होगा। मुझे बुजुर्ग लोग मिलते मुझे कहते सर आपको हम बचपन से देख रहे हैं। सो तो मुझे अच्छा लगा सुरेश भाई ने कहा किसी ने मुझे बचपन से देखा। तो बट एक तो ये कॉन्सेप्ट बिकॉज मूवी आप जानते हैं 96 में, इट वॉज द फर्स्ट शो इन द वर्ल्ड, नॉट इन इंडिया, इट वॉज द फर्स्ट रियलिटी शो, लोगों को पता नहीं है। तो हो गया नावे रवि सब मिलकर हमने बड़े मन से किया था। और बेसिकली अगर आपने देखा होगा कि वो एक ऑर्गेनिक शो था, कुछ लिखा हुआ नहीं था, कुछ बनावट नहीं थी। जैसा हो रहा था हमारे लिए जो पार्टिसिपेंट था वो स्टाफ था, तो हम ये नहीं सोचा कि हम किसी को मौका दे रहे, वो हमको मौका दे रहे। हमारा एटीट्यूड वो था, वो आपको स्क्रीन पे दिखता था। और अब जब मैं नटवर भाई से मिला और अमित से मिला, एक हमको झलक में कहते थे ना कि यू फील यू सेंस इट कि ये सही लोग हैं, ये कर लेंगे, इनकी नीयत अच्छी है। नीयत की बात होती है और मैंने जब देखा कि नटवर भाई खासतौर से एकदम नियर बस ही न्यू कि हमको क्या करना है और किस नियर से करना है। एंड इट वॉज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि अमेरिका में आई थिंक वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडियन डायस्पोरा जो है हमारे तो इंडियन एनआरआईज ने और वहाँ पे सेटल है, वन ऑफ द लार्जेस्ट टैलेंट का तो एकदम मतलब भरा हुआ है वहाँ, लेकिन मौका नहीं मिलता जिससे सुरेश सारा सुरेश का। और मुझे बड़ी खुशी है कि मैं इससे जुड़ा हुआ हूँ और ये आज जो बिकॉज सिमट गई है दुनिया इंटरनेट के जरिए से, और आज एक कहीं अरुणाचल प्रदेश में बैठा हुआ बच्चा किसी कैलिफोर्निया में बैठे हुए लड़के से बात कर रहा है, सीख रहा है, एक दूसरे से सीख रहे हैं। इट इज सच अ लर्निंग टाइम और दुनिया इतनी तेजी से आगे बढ़ रही है एंड इसमें टैलेंट भी जो है सिमट गया है। तो यू नो कंपैरिजन इमीजिएटली होने लगते हैं कि भाई वो ऐसा कर रहा है तो हम ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं। तो इंडिया ने हम देख रहे हैं कि टैलेंट जो है इतनी स्पीड से ऊपर इंटरनेशनल लेवल पहुंच चुका है। सिंगिंग में तो हम माहिर थे लेकिन डांस में भी आज जो आज का डांस है हम देख रहे हैं कि हमारे इंडिया के बच्चे ग्रुप्स इंडिविजुअल्स इतनी तेजी से आगे बढ़े हैं, उनका लेवल और मयार इतना बढ़ चुका है। सो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड कि ये जो शो होगा अमेरिका में और अमेरिकन टैलेंट को हम देख पाएंगे। और सुरेश भाई ने अच्छा कहा कि स्टैंप लग के जब वापस आता है तो जरा वैल्यूएशन बढ़ जाती है उन बच्चों के लिए जो वहाँ से आएंगे। होपफुली यहाँ की मार्केट हमारी यहाँ की कंट्री में भी एक्सपैंड कर पाएंगे। बहुत ही खुशी की बात है कि इतना बड़ा सिंगिंग रियलिटी शो और डांसिंग रियलिटी शो जो यूएसए में शूट होने जा रहा है, यूनाइटेड प्रोडक्शन, हमारे नटवर भाई ठक्कर, हमारे इलाबेन ठक्कर और ये जो पूरी कोर टीम है बहुत जबरदस्त टीम है। ये अमित भाई पटेल वेरी टैलेंटेड, ही इज अ शो क्रिएटर एंड अ डायरेक्टर। सो आप सोच सकते हैं कि कितना ये शो का कॉन्सेप्ट है वो कितना फिर के आएगा
और बहुत बड़े स्ट्रेंथ है हमारे किशोर भाई और राजेश भाई, तो ऐसी टीम है इनके साथ। ये जो बड़े दिग्गज है हमारे सुरेश वाडकर जी, पद्मश्री सुरेश वाडकर जी, महागुरु मेरे बड़े भाई, और अभी उनको लता मंगेशकर अवार्ड मिला, तो मतलब सबसे बड़ा अवार्ड उनको मिला है ऐसा मुझे लगता है। मुझे बहुत खुशी होती है, और दिग्गज जैसे जावेद जाफरी जी और पूजा जी जैसे टैलेंटेड खूबसूरत एक्ट्रेस, जेमी जी, जॉनी भाई तो मतलब हमारे बड़े भाई हैं, तो मैं हमको वो कहते हैं जॉनी दीदी, वो मुझे कहते थे जॉनी दीदी कौन मुझे जाएगा। तो ये सब प्लेटफॉर्म उनके लिए होगा जो इंडिया में मतलब आजकल कहीं भी कुछ हो जाता है इतना फट से वायरल हो जाता है, तो आई एम श्योर कि इस शो की सक्सेस भी ऐसे ही वायरल होगी। और आई विश ऑल द बेस्ट टू मतलब ऑल ऑफ अस, सबकी सभी दुआएं चाहिए, सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए, ऊपर वाले की ब्लेसिंग्स हो, तो आई एम श्योर कि ये शो बहुत जबरदस्त रहेगा। नटो भाई थैंक यू वेरी मच। सही डायरेक्शन, सही लोग जुड़े हुए हैं, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि क्वालिफिकेशंस क्या है जो लोग जज कर रहे हैं, कि उनको जानकारी होना बहुत जरूरी है। जेमी का मैंने देखा, मेरी थी सुपर सुपर टैलेंटेड गर्ल, मतलब जॉनी भाई मतलब एक्चुअली बड़े भाई, बट आई एम सो प्राउड ऑफ हर एंड शी इज फैंटास्टिक, चाइल्ड आल्सो इज फैंटास्टिक, और स्पेशली राजेश भाई एंड किशोर भाई थैंक यू, बिकॉज नॉर्मली लोग अपीयरेंसिव होते हैं एंड फंड जो होते हैं बहुत जरूरी होते हैं, यू नो, बिकॉज जो मैंने कहा सुरेश भाई ने कहा नोट और वोट दो चीजें वेरी इंपॉर्टेंट टू बिकम इन पावर, सो थैंक यू फॉर द पावर यू आर गिविंग द शो, थैंक यू। मूवी हो रहा था तो जावेद जी ने मुझे बुलाया था दो बार, डू यू रिमेम्बर, सो आई केम एज अ गेस्ट ऑन द शो एंड आई यूज्ड टू लव मूवी एंड आई एम सो ग्रेटफुल। मुझे लगा अमेरिका जाने के बाद इंडिया मुझे भूल गया है, कुछ तो फायदा हुआ मेरे 21 साल अमेरिका में रहने का कि मैं नटवर जी को मिली और इला बहन को मिली, और इन्होंने मुझे ये शो प्रपोज किया था, मुझे लगा ओके वन ऑफ दोज यू नो टॉक द टॉक, but let's see if they walk the walk, and here they are with a fabulous team with Amit, who I really really am proud of. I met him and I knew he had the guts to do this show, and then when he told me about the team, like Javed ji was saying, when Jamie was involved, Javed ji said they would go talk to him, when Sadhana ji was there, when Suresh ji was there, I knew this was a solid pillar foundation for a fabulous reality show. So reality shows जो होते हैं वो बहुत transformative होते हैं किसी भी contestant के लिए, जिसको अपना talent दिखाना होता है, confidence नहीं होता है, लेकिन एक platform मिल जाता है जो वो अपना showcase कर सकते हैं। तो ये जो reality show है, जो पूरा इसका premise है कि they want to showcase the talent in the USA of the Indian diaspora, which has never been done before. I am so proud to be a part of it. Thank you so much for giving me the opportunity to be a judge. I always wanted to be a judge on a reality show. Thank you so much. So, without... जैसा आप देख ही रहे हैं, जावेद सर हैं जो ट्रेंड सेटर हैं, उस टाइम पे जब कोई और रियलिटी शो नहीं था, मैंने बचपन से देखा हुआ है बुगी 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 बुगी, एंड मुझे सिर्फ पहले शब्द यही होते थे बू, टीवी चालू करो बू, हमको वो देखना है। तो यू नो वी हैव जावेद सर, मुझे कॉमेडी विरासत में मिली है, लेकिन हमको पूजा जी विरासत में मिली थी है ना, तो पूजा जी की मैं बहुत बड़ी फैन रही हूँ उस फिल्म से लेकर, एंड साधना जी की प्यारी आवाज, जो फर्स्ट सॉन्ग मुझे सुरेश जी का जो एकदम हिट भी फर्स्ट छोड़ा है, साधना जी ने गाए, मुझे तो बहुत नर्वसनेस हो रही है क्योंकि आप मुझे ना जज कर देना बस वहां पर, बट हाँ मुझे सुरेश सर लेजेंडरी सिंगर है, ही इज जस्ट सच अ सीनियर आर्टिस्ट, तो इतने बड़े दिग्गज लोगों के बीच हम रहेंगे, थोड़ी बहुत होस्टिंग करेंगे और शो को बस एक लाइव एक एनर्जी दे देंगे, तो बस पूरी मेहनत करेंगे मैं और चैंग, हम दोनों आज आई थिंक चैंग इज जस्ट ऑन हिज वे, बट यस हम चैंग
सर कह रहे चाइना से आ रहे बट हाँ हम सुपर सुपर एक्साइटेड एंड थैंक यू अमित टू बी आई एम श्योर वी वेरी कॉन्फिडेंट कि आप बहुत ही बढ़िया शो प्रेजेंट करने वाले